अभी इसके पंखड़ी को निकाल दिया गया है, पूरी पंखड़ियों को, और इसके जो पंखड़ी के जो नट होते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, ये यहाँ पड़े हुए हैं नट सारे, और ये ग्रिल होती है जिसके ऊपर फैन जिसे कहते हैं, कि इस ग्रिल के ऊपर रखा रहता है इस टाइप। आज अपन को करना है इस पंखे में जो आवाज आ रही थी वो आवाज को ग्रीसिंग के माध्यम से सही करना है। इसकी जो बैरिंग होती है उनमें ग्रीसिंग खत्म हो गई है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सारी चीज खोलना पड़ेगी इसकी एक करके, कॉम्बिनेशन पैर के माध्यम से निकालना पड़ेगा। इसमें जो क्लिप होती है ये क्लिपों को निकालना है, ये क्लिप निकली यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये इसका पंखा टांगने का स्टैंड होता है एक तरह का, ये सब बाहर निकाल दी। अब इसको बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर आप लोगों ने देखा पेन प्लास्टिक का छूट गया, देखिए किस तरह से इसको बाहर निकाला जाता है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक अपन इसमें ग्रीसिंग नहीं कर सकते। इसके दो जो कैप होते हैं, कैपों के अंदर सारी चीज़ें कैपेसिटर वगैरह सब यहाँ रहते हैं। इसका एक और यहाँ से कनेक्शन हटा देते हैं, ये कनेक्शन हटा दिया, ये कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन यहाँ से तारों को खोल के हटा दिए। अब ये इसमें देखिए ये सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, ये भी लॉक सिस्टम है। इसको खोलने से पहले अपन एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ जो नट दिए, एक नट ये देखा है, यहाँ एक नट, ऐसे ऐसे तीन नट होते हैं, दो और ये तीन, ये फाइनल नट को खोल रहा हूँ सर। ये नट निकल, अब इसका नीचे का जो कैप होता है वो देखिए आप आराम से खोल। अब ये इसमें देखिए पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा हूँ। अब इसको खोलने के लिए इसके अंदर जो बैरिंग लगा, इसके अंदर लगा, पहले से कैप के अंदर आता था, तभी बहुत हैवी हो जाता था, तब इसके कैप के अंदर भी बैरिंग लगा देते हैं, लेकिन अब ये सिल्वर का जो नया सिस्टम आ गया है इसके अंदर एक कैप के अंदर ही लगा देते हैं। तो मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। ये 30 सेंटीमीटर इसको डबल होता है, 30 सेंटीमीटर वाला, ये नट देखिए स्प्रिंग बहुत टाइट है इसके अंदर। तीसरा नट खोल रहा है, तीन नट खोल रहे हैं इसके। अब इसके बाद देखिए इसमें से ये आप देखिए, ये आवाज़ इसलिए कर रहा है कि इसके अंदर जो बेरिंग लगा हुआ है वो डैमेज हो गया है खराब। ये इसके अंदर स्प्रिंग है, एक तरह से हीट हो गया, इसकी बाइंडिंग होती है ऊपर की प्राइमरी और अंदर की सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। अब इसके अंदर जो बेरिंग लगा है, इस बेरिंग को देखिए पूरी इसकी जो ग्रीस होती है वो खराब हो गई है, जिससे आवाज़ कर रहा है। इसकी दोनों बेरिंग निकाल के मिट्टी का तेल या कोई भी केमिकल से आप उसको साफ करेंगे, उसके बाद ही इसमें ग्रीसिंग नहीं डालेंगे, फिर अपन आगे का काम देखते हैं। अब मैं आपको और बताता हूँ, ये यहाँ से अपन को इसका की खोलना पड़ेगा, इसके हर जगह जब कंपनी से आता है फैन तो ये हर जगह लगी होती है, इसको चाबी बोलते हैं। चाबी जरूरी होता है, कभी नट स्लिप हो जाए। इसमें दो नट होते हैं एडजस्टिंग के लिए, एक ये नया पंखा है, पहली बार ग्रीसिंग हो रही है इस फैन की, इसलिए आप देखिए इसमें दो एडजस्टिंग स्लिप लगे हुए हैं, अभी तक किसी फैन में नहीं आए, इसी फैन में आए हैं। जो पंखे के रॉड को राउंड करके पकड़ते हैं, ये हटा दिया सर। अब इनके कनेक्शन अपन को हटाना पड़ेंगे, अब कनेक्शन इनको हटाने के लिए मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा अपन को, देखिए ये रोटर अपने आप ही बाहर निकल रहा है, ये रोटर होता है इसका। अब देखिए पूरा, अब इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा सर। तार से हार्ड होते हैं तो इसको नहीं खोला जाता, क्योंकि अत्यधिक हीट होने के कारण ये तार टूट जाते हैं। तो देखिए तार एकदम बहुत हार्ड हो गए इसके, अब ये तार इसके अंदर से निकलेंगे नहीं, तो फिर भी कोशिश करना पड़ेगी। बहुत हार्ड तार हो गया है हीट के कारण। अब ये तीनों वायरों को मैंने ऊपर निकाल लिया है इसके यहाँ से, जब तक ये तीनों वायर ऊपर नहीं निकलेंगे जब तक इसमें से ये सेंटर वाला पॉइंट ऊपर बाहर नहीं। अब देखिए ये बैरिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैरिंग देखिए, और इसको थोड़ा सा थोपना पड़ेगा और ये बाहर आएगा। इसको टोकने के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा, इसको चला हुआ पंखे को बहुत ही बहुत आराम से निकाला जाता है, क्योंकि इसके जो तार होते हैं उन तारों से थोड़ा सा छोड़ जाता है। लाइक सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन एवर मिस द वीडियो। कैप के बेरिंगों में जो ग्रीस होता है वो ग्रीस एक डम्बर का रूप ले लिया है, देखिए डम्बर जैसा हो गया है, और पूरे इसके जो लिक्विडपन होता है जिससे जो बेरिंग चलती है वो सब इसमें से ग्रीस खत्म हो गया है। अब ये ब्लैक हो गए हैं, देखिए आवाज़ कर रहे हैं, इस तरह की आवाज़ कर रहे हैं,
चल ही नहीं रहे, जाम हो गए हैं। ये भी ऊन रुकने से जो ग्रीस होती है वो डम्मर जैसी हो गई है, जो लिक्विड बन होता है खत्म हो गया है, तो इसको निकालेंगे और लिक्विड साफ करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की बैरिंग निकालने के लिए अपन को इसको बहुत ही आराम से निकालना पड़ेगा। इसकी बैरिंग इसके अंदर एकदम जाम हो गया है, कैसी आवाज है, चल तो रही नहीं। बैरिंग इसका बैरिंग और है, ये बना इसका बैरिंग बहुत देर में निकलता है, निकालने के लिए इसको किसी चीज़ का सहारा देना पड़ेगा, इस तरह का नट लेना पड़ता है, जो नट इसके अंदर जाके नीचे अंदर लग जाता है तब ये बैरिंग बाहर आता है। इसको निकालने के लिए थोड़ी सी मुश्किल करना, दोनों बैरिंगों को कैरोसिन में डाल दिया है, मैंने मिट्टी के तेल में डाल दिया है, कुछ समय के बाद ये थोड़े ढीली हो जाएंगी और इसके ऊपर जमा हुआ जो ग्रीस है, जला हुआ ग्रीस, ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो जमा हुआ ग्रीस था वो तेल पूरा था। ये भी देखिए, ये देखिए जल चुका है, ग्रीस जल रही है इसकी, और ग्रीस देखिए डम्बर की तरह हो गई है पूरी ग्रीस दोनों साइड की। अब इसमें मिट्टी के तेल में डालना पड़ेगा कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद ये सब साफ हो जाएंगे। देखिए मेरे पास समय नहीं है, माटी को दूसरा नहीं लगता है, मेरे पास समय है, वो भी इसको साफ करके इन दोनों बैरिंग में जो साफ किए थे एकदम क्लीन हो गए थे, उसके बाद इनमें दोनों बैरिंगों में ग्रीस कंप्लीट कर दिया है। अब ग्रीस भरने के बाद इनको इनके जो कैप हैं उन कैप में जैसे के तैसे इनको लगा देंगे। दूसरा कैप ये है, कैप में बैरिंग को फंसा दें। अब इनको थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, बैरिंग को ठोकते समय कभी भी इसको ऊपर ऐसा नहीं रखना, तो बैरिंग को लगाते समय इसको बिल्कुल ऐसा रखना, आगे रखने से बैरिंग बैरिंग बिल्कुल आराम कंप्लीट आ गया। देखिए दूसरा रूम इसको भी इसी टाइप से फंसाना पड़ेगा, कोई भी राउंड वाली चीज़ होगा इसको भी यहाँ से कंप्लीट ऐसा होगा। ग्रीस हमेशा इस कंपनी का लाना चाहिए, एंजल कंपनी का ग्रीस। हमें तो कोई भी गद्दे वाली चीज रखना चाहिए इसके ऊपर, बैरिंग को खोलना पड़ेगा, दोनों बैरिंग नीचे वाला बैरिंग है, इसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ये लग गया
और उसमें बड़े वाले नट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 3 नट हैं इसके। आराम से बनाएंगे,